हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। एंड अभी बज रहा है मॉर्निंग का 9 एंड मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, पर उसके बाद ना मुझे लगा जैसे गला बैठ गया है, एकदम अजीब सा लग रहा था, कफ हो गया है। एंड हम सबका वही हालत, मतलब जीवन को तो कल से ही हुआ था, वो तो कल मेहंदी और संगीत में नहीं जा पाए थे, उनको बिल्कुल तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था। आज फाल्गुनी को, मुझे एंड बेबू को सेम वैसे ही सर्दी लग गया है एंड पता नहीं कैसे आज मैनेज करेंगे, पर जो भी हो 6 बजे मैं उठने के बाद ऐसा हालत हो गया था कि मैं मुझे रेस्ट चाहिए, थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं अराउंड 7 बजे के आसपास फिर से सो गई एंड बेबू भी सो गया। एंड अभी मैं उठी, अभी जा रही हूँ नहा के रेडी हो जाऊँगी क्योंकि आज है शादी वाला दिन। एंड उड़िया में शादी वाले दिन मतलब जो होता है उसी दिन सुबह ही हल्दी की जाती है, सो अभी 11:30 के आसपास उसकी हल्दी है। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, नहा के फिर निकलूँगी। और शादी वाला व्लॉग है तो व्लॉग के एंड तक देखते रहिए। हम लोग होटल से इतना जल्दी जल्दी निकले ना, मैं वीडियो लेना वहाँ पे भूल गई एंड हम लोग यहाँ पे आए। एंड अभी हल्दी का रस्म जो है वो स्टार्ट होगा, वो अभी रेडी हो रही है, जो रिचुअल्स होता है उड़िया रिचुअल्स वो पहले होगा एंड देन फोटो सेशन। तो अभी और ज़्यादा भी बातें नहीं करूँगी आप लोगों को, डायरेक्ट दिखाऊंगी कि हम लोगों का हल्दी का जो रिचुअल होता है वो कैसा होता है। हे नन्नू, जो ब्लॉग बनो चौधरी के कॉम देखा जाते रहे कहेंगे आपको वीडियो। सो आई एम द ऑड वन आउट। ना ना ना, दिव्या है मेरे साथ, सेम सेम मैचिंग मैचिंग। हला काली आपको कहले कि जिबा रात्रि खट्टी मारिया हला खट्टी मारिया चार जण हला मु जाई के सोई पड़छे माने तीन जण खट्टी मारले बाजारे तो एंड हियर गोज द ब्राइड। एंड ब्राइड यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। अभी हल्दी का सेरेमनी होगा ना, वो रेडी हो रही है। बाबा अच्छी लग रही है। यहाँ पे मासी है एंड यहाँ पे बुआ, यहाँ पे फाल्गुनी है। मैं तो ऑब्वियसली बना रही हूँ वीडियो। पूरा पार्लर रे बस आम बाबू, ये तार प्रथम बाहर द्वितीय बाहर हाँ एमती कथा एमती कौन कहले भैया। तो जो वर होता है यानी जो ग्रूम होता है उसको इनविटेशन देने जाना होता है जो लड़की की भाई होता है वो। तो ये अभी हमारा छोटू जाएगा अरिजीत को इनविटेशन दे के आएगा कि बारात के साथ आओ। हाँ मेरे बहन को इनवाइट नहीं करने से वो आएंगे नहीं। हाँ बाराती लेके आओ, गई थी तुम्हारे घर शादी करने के लिए, तुम्हारे भाई आए थे मेरे को बुलाने। अच्छा देखो लास्ट को फोटो के मु कहली ब्लॉग करथली मु फोटो रे बात किसी लगे
उसके बाद पार्लर ही जाना है ना, इसीलिए मैं पहले से कन्फर्मेशन ले रही थी। तो क्या आज इतना थोड़ा सा खाने से क्या होगा, भर के खा। अच्छा रात के लिए बचा के खा रहा तू, चालू हो रहे। लंच करने के बाद हम लोग अभी आ गए हैं रूम में एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है। बेटू भी थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा है, उसको शायद नींद आ रही है। तो अभी हम ये सब चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर जब मतलब जब ये लोग जाएंगे सौम्य लोग होटल में, हम लोग भी यहाँ से निकल के होटल सीधा जाएंगे और उस टाइम घर नहीं जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। लोग अभी रेडी हो गए हैं, हम सब कोई हमारे रूम में बैठे, मतलब फाल्गुनी, शिवा, जीवन, बेटू एंड मैं वेट कर रहे हैं, गाड़ी वो भेज रही है, हम लोग उसके बाद जाएंगे। एंड मैं रेडी हो गई हूँ, ये वाला मैंने पहना है, मैं छोटा छोटा पहन रही थी एंड थैंक्स टू फाल्गुनी, उसने ये वाला मुझे दिया एंड बोले कि शादी में जा रही है थोड़ा ओवर लगना चाहिए, इतना छोटा छोटा जैसे कि कॉकटेल पार्टी में जा रही है वैसे क्यों पहनी है, तो डांट पड़ी मुझे। उसके बाद फिर मैंने ये वाला पहना, ये उसका ही है। आप लोग बोलिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे पता है कि अच्छी लग रही हूँ, पर आप लोग और एक बार बता दोगे तो मुझे और थोड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। हम लोग अभी पहुंच गए हैं होटल के सामने एंड अभी जा रहे हैं।
जूता लेने चलो। ऊपर ऊपर होगा, ऊपर होगा, देख ले देख ले देख ले। अब शादी करने जा रही है तो कैसा फील हो रहा है? मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल ना, नेगेटिव ना पॉजिटिव। मुझे टाइम देखो ना, खाई सब ला बच्चों वाली पढ़ाई ले भी। अब इसको हम लेके जाएंगे जयमाला के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पे चुन्नी कौन पकड़ेगा, कौन कहाँ रहेगा, और हमारी कूल ब्राइड यहाँ पे बैठ के पता नहीं किसी से बात कर रही है। एंड शी इज लुकिंग सो स्टनिंग। हाँ वो उतनी लंबी है, हाँ वो उतनी लंबी है तो ऊंचा रखना। अरे आगे आगे रहो, जो लंबे हो वो आगे रहो, नहीं तो दिखेगी नहीं वो। ऑल द बेस्ट। एक एक निकाल के देगी, भैया ये दे दो, भैया वो दे दो। ये रही हमारी फाल्गुनी, एंड वो पकड़ी है जयमाला। दिखा दे थोड़ा मेरे व्यूअर्स को, बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। ओह माय गॉड, बहुत प्रिटी है। अभी यहाँ पे मौसी उन लोगों को माला पकड़ा रही है, एंड द बोथ आर गेटिंग रेडी टू डू द जयमाला रिचुअल। मैं नीचे बैठ जाती हूँ। कोटी अच्छी है हमारा जो ग्रुप है सबको यहाँ पे। वो भैया जी ना एक टैटू बनवाए हैं कंपस वाला, तो ये दोनों उसको मतलब उनको बुला बुला के देख रहे हैं कि भैया जी टैटू दिखाइए। इसको बोला जाता है हाथों गंठी, मतलब दोनों के हाथ टाई कर दिया जाता है। अभी दुल्हन की जो बहन है वो जो नट है अभी खोलेगी, एंड शी विल डिमांड समथिंग कि उसको ये चाहिए ये गंठी खोलने के लिए। तो वहाँ पे बार्गेनिंग चल रही है कितना देने से वो हस्त गंठी जो है वो खोला जाएगा।
कल शादी खत्म होते होते ऑलमोस्ट 4:30 के आसपास हो गई थी। सो हम लोग डायरेक्ट होटल चले आए थे। मैं तो जीवन को बार बार बोल रही थी कि एक बार दुल्हन मंडप तक आ जाए, हम लोग चलेंगे, क्योंकि बच्चा है। इसके लिए मैं थोड़ा टेंशन ले रही थी कि परेशान हो जाएगा वो बेचारा। लेकिन वो जो रूम मिला हुआ था मंडप में, होटल में जो बुक करते हैं ना, दो रूम्स देते हैं, एक ब्राइड के लिए एक ग्रूम के लिए, तो बेटा उस रूम में अच्छे से सो रहा था, कोई परेशानी नहीं। मैं बीच बीच में जाके चेक कर रही थी। फिर भी क्या है ना, मन नहीं करता वहां से आने का, जब शादी जब खत्म नहीं हो जाती है जब तक। ऐसे बोलते बोलते शादी देखते देखते शादी खत्म हुई, हम लोग वहां से आए। एंड लिटरली हम लोग कुछ ही लोग थे जो एकदम लास्ट में आए। अंकल मतलब सोम्या के पापा, सोम्या के चाचू एंड बुआ एंड सतरूपा एंड मैं एंड जीवन, हम कुछ ही लोग ही वहां पे थे एंड अंकल के कुछ दोस्त लोग। तो वहां से आते टाइम ऑब्वियस सी बात है, इतनी रात हो गई थी, रात नहीं सुबह होने वाली थी, एंड हम लोग सोए नहीं थे पूरी रात। एंड सौम्या भी ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। उसका ये सब जो भारी भरकम ज्वेलरी पहनने से ये सब एकदम पेन हो रहा था। तो हम लोग वहां से जल्दी आ गए, वो लोग घर चले गए शादी के बाद, सौम्या के घर। एंड हम लोग यहाँ आके थोड़ा रेस्ट कर लिए एंड अभी उठ के मैं रेडी हो गई हूँ। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सौम्या के घर, वहां से अभी होगी विदाई। एंड विदाई के बाद हम लोग सीधा स्टेशन निकल जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग का रिटर्न टिकट है, मतलब कोलकाता आज हम लोग लौट जाएंगे। तो यहाँ पे अभी विदाई के प्रिपरेशन हो रही है। गाड़ी वाला अच्छे बस पड़ा मन बोलो तो मोबाइल बोलो तो मोबाइल अरिजीत कल जाना है पापा से ध्यान रखी मम्मी डिग्गी खोल के बाबा
विदाई के तुरंत बाद हम लोग स्टेशन आ गए एंड अंकल एंड और एक भैया हैं वो आए थे हम लोग को स्टेशन छोड़ने के लिए, पर हमारा जो ट्रेन था वो 6 से 6:30 घंटा लेट चल रही थी, इसलिए हम लोग को ऑलमोस्ट 7 से 7:30 घंटा वेट करना पड़ा। मतलब जो ट्रेन 12:18 को था वो हम लोग बोर्ड किए ऑलमोस्ट 6:30 के बाद, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था उस दिन। पर जो भी हो हम लोग सेफली आके घर पहुंच गए। तो ठीक है, आपने देखा मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी एंड पूरा व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड व्लॉग्स के लिए। तो फिर हम मिलते हैं और कोई वीडियो में, एंड टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।